हिंद भारत आपकी अपनी आवाज। यूपी के रामपुर में नवाब परिवार और आजम खान के परिवार में फिल्मी अंदाज में सियासत की सियासी जंग शुरू हो चुकी है। इस बार की लड़ाई आजम खान के परिवार और नवाबों के परिवार के बीच में है। कांग्रेस नेता नवाब काजिम अली खान उर्फ नावेद मियां ने सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के रोने पर बड़ा तंज कसा है। अब्दुल्ला के रोने पर नावेद मियां ने कहा, जिसने 5 साल तक लोगों को रुलाया, अब वो खुद रो रहा है। उन्होंने कहा कि बाप जेल में है और अब अपने बाप पर जो गुजर रही है तो बेटा परेशान तो होगा ही, पर खुशी इस बात की है कि उनको इस बात का एहसास तो हुआ। अब उन्हें ये एहसास हुआ होगा कि जिन लोगों के ऊपर उनके बाप ने जुल्म किए, उनके बच्चे कैसे तड़पे होंगे। 5 साल लोगों को रुलाया और आज वो खुद रोया। हर इंसान का इंसाफ इसी दुनिया में होता है। आपको बता दें कि नावेद मियां अब्दुल्ला आजम खान पर तंज कसने के बाद से चर्चा में बने हुए हैं और कई लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर नावेद मियां हैं कौन। दरअसल रामपुर सीट नवाब परिवार की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहां से नावेद मियां 4 बार विधायक रहे हैं, लेकिन 2017 में आजम खान के बेटे के आगे वो मात खा गए। ऐसे में अब उनकी राजनीतिक पारी को लेकर नवाब काजिम अली खान और नावेद मियां के बेटे हमजा की सियासी एंट्री हुई है। ऐसे में रामपुर की सियासत में अब सिर्फ नवाब परिवार ही नहीं बल्कि आजम खान की भी अपनी सियासत है। आपको बता दें कि रामपुर के नवाब परिवार से पहले जुल्फिकार अली खान उर्फ मिकी मियां ने राजनीति में कदम रखा और कांग्रेस से राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। वो 1967 में रामपुर से संसद में पहुंचे। वो इतने लोकप्रिय थे कि अगर कोई उनके खिलाफ कुछ बोलता तो जनता उसके खिलाफ खड़ी हो जाती थी। वे रामपुर से 4 बार सांसद रहे और 1977 में उन्हें हार मिली। हालांकि इसके बाद वो फिर जीते और 1991 में उनका निधन हो गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंद भारत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हिंद भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।